Hey guys, welcome to my channel again. So this is my second video I guess for the review of this product. So I bought this purchase from Flipkart I guess. So this shoe's name is like Onitsuka Tiger Mexico 66. और ये फ्लिपकार्ट पे बेचा जा रहा है अराउंड 3000 to 3600 के बीच में. बट ये शूज़ जो है वो फेक शूज़ फ्लिपकार्ट सेल कर रही है. इट्स अ फेक. इफ यू सी द क्वालिटी इज नॉट दैट मच गुड, यू नो इट्स नॉट अ प्योर लेदर, बट इट्स डेफिनेटली अ first copy of this brand. And also look this, if you see this cut here, so that ye jo hai wo original shoes mein nahi hai. isme bhi same cut kiya hua hai. और एक यहाँ पे कट है जो कि ओरिजिनल शूज़ में नहीं होता है. वो आप फटक मतलब आपको समझ जाएगा वो जब जैसे आप हाथ में रहते हैं शूज़ ओरिजिनल. तो आई वेंट टू दिस शॉप लाइक आउटलेट. सो यहाँ पे मैंने चेक किया, मेड इन इंडोनेशिया तो है बट स्टिल द क्वालिटी इज़ लाइक डिफरेंट लाइक वे देन डिफरेंट. बट ये जो है वो एकदम डिट्टो है, मतलब सेम टू सेम है. ऐसा कुछ नहीं, फ़र्क नहीं है. ऐसा जो सोल है इसका मिड सोल है, ये कलर में ब्लू कलर ओरिजिनल में भी सेम है. बट आपको ना यहाँ से पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो कोई भी. ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इसका जो हर एक बेच रहा है ना फ्लिपकार्ट में वो फेक बेच रहा है, मतलब वो फर्स्ट कॉपी बेच रहा है. इसका प्राइस कुछ तो 10,000 है शोरूम में और दे आर सेलिंग लाइक एट 3000 के अराउंड में. तो पक्का ये शूज़ जो है फेक शूज़ है. और ये जो मेरा शूज़ आया था वो एक्चुअली बॉक्स में आया था. इस बॉक्स अभी मिला मेरे पास तो नहीं है, बट वो बॉक्स भी ऐसा था आपको फटक से समझ जाएगा कि वो बॉक्स भी डुप्लीकेट बॉक्स है प्रिंटिंग से. और जो शूज़ आया था वो एक कैरी बैग में रहता है ना, जिसे आप कैसे रोड से लेते हैं, वहाँ से रोड पे लेके जाएंगे तो आप उसको थैली देते हैं, उस पर नंबर रहता है 42 नंबर. अभी ये नंबर जो है ये कुछ तो 7.5 नंबर था. मैंने फ्लिपकार्ट से चेक किया तो 7.5, बट इसका एक्चुअल देखो 8.5 है ये. आई एम नॉट श्योर, लेट मी सॉम इट. हाँ आई गेस इट्स 8.5. तो ये पूरा फेक शूज़ है. तो एटलीस्ट ये शूज़ तो आप फ्लिपकार्ट से मत लो, क्योंकि ये ब्रांड बहुत अलग है जो एडिडास नाइकी वैसे नहीं. ये अच्छा ब्रांड है और लोगों को मालूम नहीं है ज़्यादा ये ब्रांड. बट स्टिल डोंट बाय दिस शूज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट. गो टू द लाइक आउटलेट एंड और गो टू दिस वेबसाइट, तो आपको ये समझ जाएगा. मैं फ्लिपकार्ट का एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. अब यहाँ पे भी इतना है ना कि ये जो स्ट्रिप है इसका जो पोजीशन है वो गलत है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक डिफरेंस आप चेक कीजिए. और सो ये जो है पूरा लेदर का होता है अंदर से, ये जो रहता है ना अंदर ये हाफ सर्कल पूरा लेदर का रहता है जो कि ये नहीं है. तो मैं तो फंस गया हूँ, लेकिन अभी क्या करें, शूज़ तो यूज़ करना पड़ेगा. ये रिफंड पॉलिसी था इसका 30 डेज, बट मैंने दिया नहीं, मुझे लगा ये ओरिजिनल है. फिर मैंने कंफर्म किया एंड देन आई फाउंड दैट दिस इज़ फेक प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट.
तो फ्लिपकार्ट को एक बात तो ये नोटिस करनी चाहिए, कौन कहाँ से लेते हो, सेलर का कुछ तो जेन्युइनिटी वहाँ पे लिखा होता है 100% जेन्युइन, बट वो जेन्युइन नहीं होता है, सो दैट इज़ नॉट गुड। तो वो एक बार आप चेक करना चाहिए फ्लिपकार्ट। सो आई स्टॉप दिस वीडियो हियर, बट डोंट बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एटलीस्ट दिस। सो आई विल मीट यू द नेक्स्ट ब्लॉग। क्या करूँ यार, थोड़ा कट तो करा ना। ओके सो वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।